इस समय टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेल रही है। ये मैच डोमिनिका के विंसर पार्क मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर भारतीय टीम की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज ने पहली पारी में केवल 150 रन बनाए। उसके बाद टीम इंडिया के दोनों ही सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और साथ ही कप्तान रोहित शर्मा ने सॉलिड शुरुआत की। मैच के दूसरे दिन दोनों बल्लेबाज उसी लय में नजर आए और तेज गेंदबाजों के खिलाफ जमकर रन भी लूटे, लेकिन कप्तान क्रैंग बेथविक ने गेंदबाजी में बदलाव किया और स्पिन गेंदबाज रहीम कॉर्नवॉल को मोर्चे पर लेकर आए। कॉर्नवॉल ने आते ही सन टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को कई बार बीट किया। रोहित भी कॉर्नवॉल की घूमती गेंदों के आगे बेबस नजर आ रहे थे और कॉर्नवॉल की कमाल की बात यह है कि वो एक टप्पा पकड़कर गेंद कर रहे हैं और कॉर्नवॉल की एक गेंद गुदलम स्पोर्ट पर गिरने के बाद अंदर की तरफ आई और रोहित शर्मा इस गेंद को खेलने में पूरी तरीके से चूक गए और फिर LPW की जोरदार अपील हुई। हालांकि बाद में फैसला रोहित के पक्ष में ही आया, मगर एक बात तो पक्की है कि इस पारी में रोहित कॉर्नवॉल के खिलाफ काफी संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर रहीम कॉर्नवॉल की करें तो वो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले दुनिया के सबसे वजनी खिलाड़ी हैं। आपको बता दें कि साल 2019 में उन्होंने भारत के खिलाफ ही डेब्यू किया था। उस समय वो 140 किलो के थे, फिलहाल वो 135 से 145 किलो के बीच में हैं। इसके बाद भी वेस्ट इंडीज ने उनकी वापसी करवाई। कई लोग उन्हें सबसे अनफिट क्रिकेटर भी कहते हैं। उनके पास ताकत तो है लेकिन भागने में काफी परेशानी आती है। कॉर्नवॉल के साथ क्रीज पर होते किसी भी बल्लेबाज के लिए तेजी से रन चुराना बड़ा आसान होता है। उनके लिए फील्डिंग में ड्राइव मारना भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। खैर, ये थी आज की स्टोरी। आप भी इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ निशन पर।